हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानप्रिय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्क्रीन पे एक ऑफिशियल वेबसाइट को मैं ओपन करके रखा हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इसका लिंक हो जाता है RITES.com, जिसके तरफ से रिक्वायरमेंट अभी लेटेस्ट निकाल के आई है, जिसके बारे में पूरा फुल डिटेल मिलने वाला है आप लोगों को इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नोटिस के साथ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जानना जरूरी है क्योंकि सारे नोटिस इसी पे आ जाएंगे। आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन हो रहे हैं। इसका नोटिस जो PDF है उसको ऑलरेडी मैं पहले ही ओपन करके रखा हूँ, इसलिए दोबारा मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे करियर्स के अंदर पे आप लोगों को मिल जाएगा। ये इसका PDF है, देखिए RITES राइट साइड में दिया गया है और उसका एड्रेस वगैरह दिया गया है, क्या क्या वैकेंसी है सब यहाँ पे मिल जाएगा। हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ एक जो छोटा सा टेबल है वो क्या दिया गया है, ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/4/2021 डेट दिया गया है। इसको अप्लाई करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा 12/5/2021 तक। ये जो दिया गया अप्रेंटिस के लिए दिया गया है, क्या अमाउंट पे होगा पर मंथ वो दिया गया है, क्वालिफिकेशन दी गई है और नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कितने पेजेस हैं, यहाँ पे 10 पेजेस का ये PDF है। इसीलिए इसको एक एक लाइन करके बताने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जितना हो सके इम्पोर्टेंट और शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आया है देखिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस पहला, दूसरा है डिप्लोमा, तीसरा दिया गया है ट्रेड अप्रेंटिस। पहला ग्रेजुएट के लिए 14,000 दिया गया है पर मंथ मिलेगा, जिसमें से इंजीनियरिंग BE BTEC वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट BA BBA और BCom वाले अप्लाई कर सकते हैं। BTEC के लिए दिया गया है 76 वैकेंसी और BBA BSc न BA ये सब के लिए दिया गया है ओनली 20 वैकेंसी। डिप्लोमा की बात करते हैं तो 12,000 मिल जाएगा पर मंथ, डिप्लोमा वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, 15 वैकेंसी दिया गया है और 10,000 मिलेगा जो ITA वाले हैं, ITA पास आउट वाले 35 वैकेंसी, टोटल 146 वैकेंसी दिया गया है। तो क्वालिफिकेशन, सैलरी और कितने वैकेंसी है ये सब हम लोग देख लिए। ये क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और भी डिटेल में अगर जानना रहेगा तो नीचे में भी यहाँ पे दिया गया है, सब कुछ जान सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा नीचे और आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसको अप्लाई किस तरह से करना होगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक लिंक दे दिया गया है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे लिखा गया है, और हार्ड कॉपी के साथ में फॉर्म को भर के इस मेल आईडी में मेल भी करना होगा, जितने आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट है उस साथ में। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो सबका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी यहाँ पे मांगा गया है, देखिए आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जितने हैं वो सब दिया गया है। फोर्थ नंबर पॉइंट एक और ही इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेक्शन किस तरह से होगा। इसका जो सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट वो लोग निकालेंगे, देखना होगा कि आपका क्या ट्रेड है, क्या ब्रांच है, स्ट्रीम क्या है, क्या मार्क्स है यानी कि परसेंटेज क्या है, उस सब के ऊपर वो लोग ध्यान देके उसका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो इंटरेस्ट है अप्रेंटिस करने के लिए तो और डिटेल में आज जितने भी पॉइंट में मिसिंग हो रहा है वो सबको भी अच्छी तरह से एक बार जान ले, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह का कोई क्वेरी रहेगा तो ये मेल आईडी यहाँ पे दिया गया है, इस मेल आईडी पे मेल करके सारा डिटेल जान सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। नीचे आते हैं तो नीचे में हम लोग को एक लंबा चौड़ा टेबल मिल जाता है, जहाँ पे सीरियल नंबर, सब डिवीज़न, उसके बाद क्वालिफिकेशन, वैकेंसी और कहाँ पे ये दिया गया है वैकेंसी है उसका दिया गया है। जैसे पहला वाला देख सकते हैं QA डिवीज़न है, इसमें भी BTEC इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए एक दिया गया है गुड़गांव में, दूसरा मैकेनिकल के लिए दिया गया है दिल्ली, 3 वैकेंसी है। यहाँ पे BBA वाला सब के लिए 1 वैकेंसी दिया गया है जो दिल्ली, इसी तरह से कलकत्ता में दिया गया है, मुंबई में दिया गया है, रायपुर, भिलाई में दिया गया है, आसाम में दिया गया है, ये सब लोकेशन में वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो देख सकते हैं आपका नियरेस्ट लोकेशन कौन सा है, रांची में भी दिया गया है यहाँ पे BE BTEC सिविल वाले के लिए, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे नीचे आ जाएंगे तो नीचे में यहाँ पे 9th पेज में देख सकते हैं एक फॉर्म दिया गया है जिसको भरना होगा और मेल भी करना होगा।
यही इसका फॉर्म आएगा। 9 और 10 दो पेज में दिया गया है, इसको प्रिंट आउट करना होगा और अच्छी तरह से जो भी डिटेल दिया गया है सबको फिलअप करके भेजना होगा। तो अप्रेंटिस अगर करना चाहते हैं RITES में तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, अच्छा खासा वैकेंसी भी दिया गया है और जो मंथली इसमें पे होगा, सैलरी मिलेगा, वो भी ठीक ठाक दिया गया है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रखें, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।